हमने देखा था कि इस तरीके के ऑलमोस्ट हर रोज बारिश आती है जो की सबसे ज्यादा बारिश रिसीव करते हैं और उस कारण से यहाँ के जो पेड़ है वो बहुत ही ज्यादा हरे भरे रहते हैं बहुत ही ज्यादा ऊंची हाइट तक पहुँच जाते हैं और लेयर्स में ट्री होते हैं और इसीलिए ये क्या है हमेशा हरे भरे रहते हैं और ये कभी अपनी जो पत्तियां हैं वो किसी पर्टिकुलर सीजन में शेड नहीं करते तो यही सब कारण है इनका एवरग्रीन होने का अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेजर फॉरेस्ट की तो ये कैसे फॉरेस्ट है तो इनका एक जो सबसे अलग फीचर है अगर हम एवरग्रीन से इसको डिस्टिंग करना चाहें डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो ये है कि जो डेजरडियस फॉरेस्ट हैं ये पहले तो किसी ऐसे इलाके में होते हैं जो वैसे तो हल्का सा ड्राई रहता है थोड़ा सूखा रहता है बट वहां पे फिर भी इतनी बारिश हो जाती है कि वहां पे जो जंगल है उसको सपोर्ट मिल सके जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रो हो सके मतलब उतनी बारिश हो जाती है दूसरा यहाँ के जो पेड़ हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी जो पत्तियां हैं उन्हें गिराते हैं तो मोटे मोटे तौर पे आप इन बातों पे डेसीडियस फॉरेस्ट एंड जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और डिटेल में अब हम इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ते हैं दीज आर दी मोस्ट वाइड स्प्रेस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया तो ये वाले जो फॉरेस्ट हैं डेजिडियस फॉरेस्ट ये इंडिया में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं मोस्ट वाइड स्प्रेड है मतलब सबसे ज्यादा आपको इंडिया में यही वाले फॉरेस्ट देखने मिलेंगे दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन टू हंड्रेड सेंटीमीटर एंड सेवेंटी सेंटीमीटर अब डेजिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है और ये उन इलाकों में फैले हुए हैं जहां पे की लगभग सत्तर सेंटीमीटर से लेकर दो सौ सेंटीमीटर तक बारिश होती है ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड leaves फॉर अबाउट सिक्स टू एट वीक्स इन ड्राई समर अब क्या होता है कि ये वाले जो पौधे हैं ये वाले जो फॉरेस्ट में ट्रीज हैं वो क्या करते हैं वो छ से आठ हफ्तों के लिए छ से आठ हफ्तों के लिए वो क्या करते हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं ये कब होता है ये ड्राई समर में होता है जब एकदम समर का एंड चल रहा होता है बहुत छूखा सा एकदम सीजन होता है और सर्दियों से पहले वाला मौसम जैसे हम ऑटम सीजन कहते हैं उसमें ये अपनी जो पत्तियाँ हैं वो गिरा देते हैं ताकि आने वाली जो बहुत ही ज्यादा हार्श सर्दियाँ हैं उनको ये सह सके ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर forests फॉरेस्ट आर फर्दर into moist एंड ड्राई डेजिडियस अब ये जो ट्रॉपिकल ड्राई ट्रॉपिकल डेजिडियस फॉरेस्ट हैं इनको भी आगे दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है हमने क्या बोला कि डेजिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि सेवेंटी टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर वाले रेनफॉल के एरिया में होते हैं सो so, इस पानी की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर मतलब किसी जगह पे कितनी बारिश हो रही है उसके बेसिस पे डेजिडियस फॉरेस्ट को और दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पहला है ड्राई डेजिडियस फॉरेस्ट और दूसरा है मॉइस्ट ठीक है नाम से ही आप समझ सकते हो कि ड्राई मतलब वो वाला फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती और मॉइस्ट मतलब जहां बारिश होती है तो ड्राई डेजिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं जहां पे सत्तर से लेकर सौ सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है और मॉइस्ट वाले वो हैं जहाँ पे 100 से लेके 2 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है ठीक है वैसे हम ओवरऑल कह रहे हैं डेजेडियस फॉरेस्ट 70 से 200 सेंटीमीटर वाले एरियाज में होता है ऐसे एरियाज हैं जहाँ 70 से लेके 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है बट इसी बारिश के बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जहाँ सत्तर से लेके सौ सेंटीमीटर की बारिश हो रही है उसे हमने ड्राई डेजेडियस बोला और जहाँ पे सौ से लेके दो सेंटीमीटर की बारिश हो रही है उसे हमने मॉइस्ट

तो इसीलिए आपको मॉइस्ट डेजिडियस फॉरेस्ट ज़्यादातर देखने मिलेंगे जो हमारा ईस्टर्न इलाका है जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स स्टेट्स हैं राइट ईस्टर्न उसके साथ साथ जो स्टेट है फुटहिल्स मतलब होता है जैसे ये हैं तो इनके नीचे ये वाला जो इलाका होगा इनके फुट्स के पास जो इलाका होगा जो ढलाने होंगी वो हम कहेंगे फुटहिल्स तो हिमालयास के जो फुटहिल्स हैं उसके साथ साथ जो झारखंड वेस्ट उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये वाले जो स्टेट्स हैं इनमें भी हमें मॉइस्ट डेजिडियस फॉरेस्ट देखने मिलता है क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 100 से लेके 200 सेंटीमीटर बारिश होती है टीक इज दोस्ट स्पीश दिसको सबसे ज्यादा जो पेड़ दिखेगा वो है टीक का बैम्बू साल शीशम सैंडलवुड खेर कुसुम अर्जुन एंड मलबरी आदि अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीशस और अगर हम दूसरे इम्पोर्टेंट ट्रीज की बात करें जो की इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो ये सारे हैं द ड्राई डेजिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज है सो जो ड्राई डेजिडियस फॉरेस्ट है ये उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे सत्तर से लेकर सौ सेंटीमीटर की बारिश होती है दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनसोलर प्लेट्यू एंड प्लेन ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश अब ये वाले जो फॉरेस्ट है ये पेनन्सोला प्लेट्यू के रेनियर पार्ट्स में रेनियर पार्ट मतलब ऐसा इलाका जहाँ पे रेन रिसीव हो रही है जहाँ बारिश हो रही है तो जो हमारा पेनन्सोला प्लेट्यू है यहाँ पे इनके वो इलाके जहाँ पे बारिश हो रही है जहाँ सत्तर से लेकर सौ सेंटीमीटर की बारिश होती है वहाँ पे आपको ड्राई डेजिडियस फॉरेस्ट देखने मिलेंगे इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश के जो प्लेन्स हैं जो एरियाज हैं वहाँ पे आपको ड्राई डेजिडियस फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे देर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक साल पीपल एंड नीम ग्रो अब जो ड्राई डेजिडियस फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि टीक साल पीपल एंड नीम ये वाले जो पौधे हैं वो उगते हैं अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन है कल्टिवेशन एंड अब ड्राई डेजिडियस फॉरेस्ट का ज्यादातर जो हिस्सा है वो कल्टिवेशन के लिए मतलब खेती के लिए काटा जा चुका है और उसके कुछ हिस्से में क्या है ग्रेजिंग भी है मतलब की जहाँ पे गाय भैंस उन्हें जो चराया जाता है तो ग्रेजिंग के मकसद से भी कुछ लैंड आपको इन फॉरेस्ट में देखने मिलेगी इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड अल लाइन टाइगर पिक डियर एंड एलिफेंट तो इन जंगलों में जो कॉमनली पाए जाने वाले जानवर हैं वो ये हैं अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स लेजर्ड स्नेक्स एंड टोटॉइज आर ऑल्सो फाउंड हेयर और यहाँ पे इन जानवरों के अलावा काफ़ी भारी मात्रा में बर्ड्स मतलब लेजर्ड स्नेक्स टोटॉइस टोटॉइज वो होता है जो ज़मीन पर रहने वाला कछुआ होता है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ट्रॉपिकल डिजिडियस फॉरेस्ट हैं उनकी क्या फीचर्स हैं और इंडिया में वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं